शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है यासीन कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है ए नबी बेशक तुम पैगंबरों में से हो सीधे रस्ते पर हो यह कुरान गालिबो मेहरबान का नाजिल किया हुआ है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था खबरदार कर दो वो गफलत में पड़े हुए हैं उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में डाल रखे हैं, और वो ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं तो उनकी गर्दने अकड़ी हुई है और हमने इनके आगे भी दीवार बना दी और पीछे भी फिर इन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते और तुम इनको खबरदार करो या ना करो इनके लिए बराबर है ये ईमान नहीं लाएंगे तुम तो सिर्फ उस शख्स को खबरदार कर सकते हो जो इस नसीहत यानी कुरान की पैरवी करे और रहमान से गायबाना डरे सो उसको और बड़े सवाब की बिशारत सुना दो बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलम बंद कर लेते हैं और हर चीज को हमने किताबे रोशन यानी लोहे महफूज में लिख रखा है और इनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए यानी जब हमने उनकी तरफ दो पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको लाया। फिर हमने तीसरे से तकवीयत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और रहमान ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की तुम महज झूठ बोलते हो उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है और बस वो बोले कि हम तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई नहीं बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया कहने लगा कि मेरी कौम पैगंबरों के पीछे चलो ऐसों के जो तुमसे कोई सिला नहीं मांगते और वो सीधे रस्ते पर हैं और मैं क्यों उसकी परस्तिश न करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सकें तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं सो मेरी बात सुन रखो हुक्म हुआ कि बहिष्त में दाखिल हो जा बोला काश मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे वो तो सिर्फ एक चिंगार थी सो वो उससे नागहा बुझ कर रह गए बंदों पर अफसोस कि उनके पास जब कोई पैगंबर आता तो वो उससे तमस्ख जरूर करते क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सबके सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे और एक निशानी इनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने उसको जिंदा किया और उसमें से अनाज उगाया फिर ये उसमें से खाते हैं और उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये उन बागों के फल खाएं और इनके हाथों ने तो उनको नहीं बनाया तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते वो जात पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद इनके और जिन चीजों की इनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए और एक निशानी इनके लिए रात है कि उस पर से हम दिन को खींच लेते हैं तो उसी वक्त इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्र रस्ते पर चलता रहता है यह उस गालिब दाना का मुक्र किया हुआ अंदाजा है और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर दी यहां तक के घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है न तो सूरज ही से यह हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं और एक निशानी इनके लिए यह है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और इनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर यह सवार होते हैं और अगर हम चाहें तो इनको गर्व कर दें फिर न तो इनका कोई फरियाद रस हो और न इनको रिहाई मिले मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे हैं और जब इनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए और इनके पास इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उससे मुंह फेर लेते हैं और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो तो काफिर मोमिनों के मुतालिक कहती हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता तुम तो खुली गुमराही में हो और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ यह वादा कब पूरा होगा यह तो एक चिंगाड़ ही के मुंतजर हैं जो इनको इस हाल में कि बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी फिर न तो ये वसीयत ही कर सकेंगे और न अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे और जिस वक्त सूर फूका जाएगा ये कबरों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे कहेंगे हाय बर्बादी हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगा उठाया ये वही तो है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था वो तो सिर्फ एक जोर की आवाज होगी कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे फिर उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे अहले जन्नत उस रोज निशात के मशगले में खुश होंगे वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे वहां उनके लिए मेवे होंगे और जो वो मंगवाएंगे उनको मिलेगा उनको परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा और वो फरमाएगा के गुनागारो तुम आज अलग हो जाओ ए आदम की औलाद क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है और यह कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था तो क्या तुम समझते नहीं थे यही वो जहन्नम है जिसकी तुम्हें धमकी दी जाती थी जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें फिर ये रस्ते को दौड़ें तो कहां से देख सकेंगे और अगर हम चाहें तो उनकी जगह पर उनकी सूरतें बदल दें फिर वहां से वो न आगे जा सकें और न पीछे लौट सकें और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे तखलीक में औंधा देते हैं यानी उसे बचपन की कमजोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं तो क्या ये समझते नहीं और हमने इनको यानी अपने पैगंबर को शेरगोई नहीं सिखाई और न वो इनको शाया ही है ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करे और काफिरों पर बात पूरी हो जाए क्या इन्होंने नहीं देखा कि जो चीज़ें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने इनके लिए मवेशी पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं और उनको इनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से इनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं और उनमें इनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं तो क्या ये शुक्र नहीं करते और इन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं कि शायद उनसे इनको मदद पहुंचे मगर वो इनकी मदद की हर गिस्त ताकत नहीं रखते और वो इनकी फौज बनाकर हाजिर किए जाएंगे तो इनकी बातें तुम्हें गमनाक ना कर दें ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है और क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया कहने लगा कि जब हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी तो उनको कौन जिंदा करेगा कह दो कि उनको वो जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था और वो हर तरह की तखलीक को जानता है वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़ कर उनसे आग निकालते हो भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उनको फिर वैसे ही पैदा कर दे क्यों नहीं और वो तो सब कुछ पैदा करने वाला कामिल इल्मा है उसकी शान यह है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है के हो जा तो वो हो जाती है वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है